इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदपुर वेश्य कासगंज पशु को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विवाद की सूचना पर एसएचओ को गोली लगी है। दो पक्षों में विवाद की सूचना पर ये पुलिस पहुंची थी, जहां पर बीच बचाव में एसएचओ को गोली लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, घटनास्थल का एसपी ने बारीकी से निरीक्षण किया है, जहां पर दोनों पक्षों की बातों को सुना गया। आपको बता दें, पशु को लेकर ग्रामीणों के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जहां पर एसएचओ को गोली लगी, जहां पर घायल इंस्पेक्टर को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, सिकंदरपुर वेश के इंस्पेक्टर हरिवान सिंह घायल हुए हैं इस पूरी घटना में। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, दो पक्षों में विवाद हुआ पशु को लेकर, विवाद की सूचना पर पहुंचे एसएचओ को गोली लगी है, वहीं अब इन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह गोली लगने के बाद एम्बुलेंस से एसएचओ को अलीगढ़ के अस्पताल में रेफर किया गया, वहीं घटनास्थल का एसपी ने अब बारीकी से निरीक्षण किया है। ये पूरा विवाद पशुओं को लेकर था, जहां पर दो पक्षों में ये विवाद हुआ। और इसी के साथ लखनऊ से हमारे साथ रिपोर्टर रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रोहित, बताएं क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से कासगंज का सिकंदरपुर वेस्ट थाना अंतर्गत जो नगला जनपद गांव है, वहां पे दो पक्षों के बीच में पशु को लेकर के एक विवाद सामने खड़ा होता है। उसको लेकर के जो सिकंदरपुर वेस्ट थाना क्षेत्र के जो प्रभारी जो इंस्पेक्टर है हरिभान सिंह, वो मौके पे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों पक्षों में पशु को बंधक बनाने को लेकर के विवाद चल रहा था, उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे हरिभान सिंह, लेकिन जिस तरह से एक पक्ष द्वारा गोली चली और गोली जो इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर हैं उनके कंधे पे आकर के लगी, और जैसे ही ये सूचना, क्योंकि बड़ा मामला हो जाता है, उसके बाद तमाम जितने भी पुलिस आला कमान के अधिकारी है वो भी मौके के स्थल पर पहुंचते हैं और उनको इलाज के लिए अलीगढ़ में भेजा जाता है। और अगर बात की जाए तो हालत जो है उनकी वो काफी नाजुक थी, लेकिन स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये मामला होता है, दो पक्षों की बात को लेकर के, उसको लेकर के पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। जी रोहित, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या किसी पक्ष ने अपनी बात को सामने रखा है पुलिस के सामने? देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आता है उसको लेकर के, क्योंकि आला कमान के बड़े जो अधिकारी हैं एसपी हैं वो भी मौके घटनास्थल पे पहुंचते हैं, उसको लेकर के, क्योंकि दोनों पक्षों में जो विवाद था उसके बाद, क्योंकि एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई थी और गोली जो है सीधा इंस्पेक्टर हरिवान सिंह राठौर के कंधे पे जाके लगती है। अभी गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके बाद गिरफ्तारी करने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, कासगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर सिकंदरपुर वेश के इंस्पेक्टर हरिभान सिंह पहुंचे थे इस विवाद को समझाने सुलझाने के लिए, जहां पर एक पक्ष ने उन पर गोली चला दी, जिसके बाद अब उन्हें अलीगढ़ के अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें, पूरा मामला दो पशुओं को लेकर विवाद हुआ था ये, जहां पर विवाद की सूचना पर एसएचओ हरिभान सिंह पहुंचे थे।